जंगलबाज जाता था, बहुत डिफिकल्ट इलाका है, वहां पर दुश्मन के साथ आमना सामना होता है, लेकिन उसके बावजूद भी इन्होंने जो है 15 जैक राइफल की जो पलटन ने काम किया, ये हमारा ही टर्नओवर इन्होंने किया था। मैं 8 जैक लाइक का था, ये 15 जैक राइफल के थे, तो इन्होंने ही हमारा जो है टर्नओवर किया। तो ये मैं जरूर जानता हूं कि जैक राइफल जो है 15 जैक राइफल, ये एक जैक राइफल के ग्रुप की माननीय पलटन है, इसने बहुत अच्छा काम किया है, और पुंछ के अंदर जो है इन्होंने काफी मिलिटेंट जो है वो मारे हैं। जब कभी ऐसा मौका मिलता है तो उधर कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि मंगल सिंह साहब के साथ हुआ, क्योंकि वो भी देश की खातिर अपने आप का ना कुर्बान करते हुए उन्होंने क्या किया कि अपनी जान को निशावर कर दिया, अपने देश के लिए शहादत दी। आज जो है मंगल सिंह का नाम जो है वो एक यहाँ पर नहीं पूरे भारतवर्ष के बीच में जो है उसको याद किया गया है, याद करते हैं, और आर्मी हेडक्वार्टर के पास देखो आप जाकर, वहां पर भी जो है बहुत बड़ी एक नामी रूल लगी हुई है, जिन्होंने जान कुर्बान की हुई है उनके आगे एक ही लक्ष्य होता है उस टाइम कि ये मेरी भारत माता के ऊपर जो है इस आंचल को हाथ न डाले कोई, मेरे जान चले जाए, मेरा परिवार खत्म हो जाए, मातृभूमि का ही और अपने उसका ही जो है वो बहुत मुश्किल से मतलब पूरा किया जाता है। लेकिन ये चीज जो मैं जरूर बोलूंगा कि ये जो मंगल सिंह ने कुर्बानी दी है इसको मैं अच्छी बोलते हुए अगर मेरे से कोई गलत अखबार निकल गया हो तो मैं माफी चाहता हूँ। जय श्री राम, धन्यवाद। फौज में इस तरीके से सिस्टमेटिकली चलना पड़ता है, और हमारे गांव में कभी कभी बाढ़ है, और जब हम उन लोगों की बातें बोलते हैं, जब से मंगल सिंह ने इस देश के प्रति, भारत माँ के प्रति अपनी शहादत दी है, हम लगातार 5-6 सालों से लगातार 7 साल से आ रहे हैं, मेरी पूरी एक्सरसाइज टीम मंगल सिंह का, जहाँ तक ये भी मैं ऐसे देना चाहता हूँ हर जवान को, हर के देश के लिए जो मरता है वो देश के लिए मौत नहीं होती, वो एक शहीद होता है, अमर होता है, हमें हमेशा हमेशा के लिए अमर होता है। आज सुबह आते ही मैं शहीद की माता जी को मैं उनके साथ मिला हूँ, आते ही जब हम जहाँ पर पहुँचे, हम दो माता पिता को दुख तो होता है कि उनका बेटा शहीद हुआ है, लेकिन मैंने उनको काफ़ी नफरत ये काफ़ी समझाया बजाया कि हम मिट जाएंगे लेकिन आपका बेटे का नाम नहीं मिटेगा, जब तक सूर्य चांद रहेगा मंगल सिंह का नाम रहेगा। हमारा जवान पीढ़ी को जो मैं मैसेज देना चाहता हूँ आप लोगों के माध्यम से कि देश से बड़ा कोई धर्म नहीं है, एक शहीद होता है ये प्राइड एंड प्राउड विषय होता है, माता पिता के लिए तो होता है, समस्त भारत के लिए होता है, उस प्रांत के लिए होता है, उस तहसील के लिए होता है, उस डिस्ट्रिक्ट के लिए होता है। इसके साथ साथ गाँव में शहीद श्री मंगल सिंह जी का शहीदी दिवस था, श्री मंगल सिंह जी बड़ा युवा अवस्था में पुंछ सेक्टर में शहीद हुए हैं, और बड़े 21 उम्र साल की एज में ये 2012 जनवरी को शहीद हुए हैं, और जो इनकी वीरगति प्राप्त हुई है उसकी ही अवसर पर हर साल जहां परिवार के तरफ से शहीदी दिवस जहां ऑर्गेनाइज किया जाता है, और हम सभी साथियों के साथ जहां आते हैं, और मैं जे डंडोली गांव और जो हमारे एक्सेस सर्विसमैन लीग के चेयरमैन हैं पठानिया साहब, इनकी पूरी टीम, पूर्व MLC सुहाग गुप्ता जी और प्रेमलाल जी जो पूर्व MLA हैं, और हमारे सरपंच साहबान हैं, पंच साहबान हैं, सभी इसमें शामिल होते हैं, और इस शहीदी दिवस के अवसर पर हम उनको श्रद्धांजलि देते हैं, और देश के अंदर प्रदेश के अंदर जितने भी इंडियन आर्मी के जवान बहादुर शूरवीर जो हैं भारतीय मातृभूमि की रक्षा करते हुए वीरगति प्राप्त हुए हैं उनको याद करते हैं, उनको भी श्रद्धांजलि देते हैं, और पूरा जो हमारा जम्मू सूबा का जो कंडी का इलाका है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ सांबा और बिलावर बसोली का है, जितना हीरानगर का, ये शहादतों से भरा हुआ है। शायद कोई ऐसा गांव हो जहां पैरामिलिट्री फोर्सेस, पुलिस, जम्मू कश्मीरी पुलिस और इंडियन आर्मी में कोई ना कोई युवा जो है देश की सेवा करते हुए वीरगति प्राप्त हुआ है। तो इस तरीके के जो कार्यक्रम के माध्यम से यही एक समाज के अंदर मैसेज आता है, मैं ये कहता हूँ शहीदों को याद करना, मान सम्मान करना, उनका मान सम्मान नहीं है, ये अपना पूरे सोसाइटी का मान सम्मान है, और अपने पूर्वजों को
अपने बड़ों को और बहादुर शूरवीरों को याद करना, अपने अंदर भी एक नई ऊर्जा अमंग और तरंग पैदा होती है, और आने वाली पीढ़ी जो है युवा पीढ़ी है उनको भी ये एक मैसेज जाता है, एक प्रेरणा का स्रोत बनते हैं ये अपना शहीद, और देश की मातृभूमि को रक्षा करते हुए मैं इस शहीदी समारोह के माध्यम से भी जो इंडियन बॉर्डर के अंदर LOC के ऊपर और विशेष तौर पर सचिन ग्लेशियर और लेह और उत्तराखंड और नॉर्थ ईस्ट के उन कड़ी सर्दी में जो -60 डिग्री तक टेम्परेचर होता है, जो इंडियन आर्मी के जवान जो डटे हुए हैं इस दलेरी से, इस बहादुरी से इस कड़ी सर्दी का मुकाबला करते हुए और देश की मातृभूमि की रक्षा करते हैं, हम उनकी कंट्रीब्यूशन को भी, उनकी इस जो डेडिकेशन है उसको भी सलूट करते हैं। और इसके माध्यम से मैं यही मैसेज देना चाहता हूँ, देश के अंदर और प्रदेश के अंदर कोई भी सरकार आती है, शहीदों का मान सम्मान करना चाहिए और शहीद परिवार के प्रति जो हमदर्दी से हमें पेश आना चाहिए समुची सोसाइटी को, और सरकार को भी आगे बढ़ना चाहिए इनकी मदद करने के लिए। मैंने इस शहीद समारोह के माध्यम से रियासत जम्मू कश्मीर के गवर्नर साहब को भी अपील की है, जितने भी इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जम्मू कश्मीर के इस प्रॉक्सी वार में शहीद हुए हैं उनको, चाहे LOC के ऊपर हैं, चाहे नाम इंटरनेशनल बॉर्डर में है, जहाँ अंदरूनी जो टेररिज्म के फायर करते हुए शहीद हुए हैं, उनको भी फाइनेंशियल जो असिस्टेंट है, एड है, बाकी राज्यों की तरह दी जाए। 30 लाख से लेके 1 करोड़ तक बहुत से राज्यों ने उनको दी है। ये बड़ा चिंता का विषय है, अफसोस का विषय है, और ये प्रश्न चिन्ह है रियासत जम्मू कश्मीर की सरकार पे भी, क्या क्या बात है, हम जो हमारी मातृभूमि हमारी सरहदों की रक्षा करते हैं उनके लिए हम इतना भी फाइनेंशियल असिस्टेंट नहीं दे सकते, क्यों नहीं हम चलो 1 करोड़ नहीं दें, 50 लाख से ही उनको दिया जाए, तो उनका भी मान सम्मान होगा, उनका भी मनोबल बढ़ेगा, और जो इंडियन आर्मी में एक डेडिकेशन से लड़ रहे हैं उनका भी प्रोत्साहन होगा, और आने वाली युवा पीढ़ी को भी एक मैसेज जाएगा कि देश के मान सम्मान के लिए उनके इस कठिन घड़ी में, इस कष्ट में प्रदेश की सरकार भी उनके साथ खड़ी है। और मुझे उम्मीद है इस चैनल के माध्यम से यह मैसेज जाता है, गवर्नर साहब फौरी इस पर अपना ऐलान करेंगे, और रिपब्लिक डे पे 26 जनवरी के अवसर पर जरूर मैं चाहूँगा उनकी स्पीच में इसका रेफरेंस हो और ये पुख्ता पॉलिसी अडॉप्ट की जाए, और किसी भी गांव के अंदर जो शहीद हुए हैं उसके लिए डिस्ट्रिक्ट प्लान में प्रोविजन हो, उनका शहीद स्मारक बने और उनके लिए कोई ना कोई उस गांव के अंदर गेट बने जहाँ मेमोरी रहे, परिवार भी उसको याद करे और आने वाली युवा पीढ़ी के लिए भी प्रेरणा का स्रोत बने रहे। इस तरीके प्रकार के कार्य करना चाहिए, मैं विश्वास देता हूँ अगर आने वाले आगामी चुनाव में हमारी सरकार प्रदेश में हुकूमत में आती है तो इन चीज़ों पे, इन इशू को हम डिस्कस करके और एड्रेस करेंगे और इस पे काम करेंगे, विश्वास से कहता हूँ। शहीदों का मान सम्मान देश के लिए सबसे प्राइम ड्यूटी है हमारी सबके लिए, सभी को अपनी पॉलिटिकल पार्टी से ऊपर उठ के इसके लिए काम करना चाहिए। और आज मैं इतनी बात करूँगा, और इसके साथ जो कल हमारे 3 जवान शहीद हुए हैं, 1 मेजर शहीद हुए हैं, उनको भी मैं श्रद्धांजलि देते हुए उनके परिवार के साथ मैं हमदर्दी का इजहार करता हूँ, भगवान के आगे प्रार्थना करता हूँ कि उनको स्वर्ग में जगह दे और उनके परिवार को ये सदमा बर्दाश्त करने की हिम्मत और शक्ति दे, और सरकार और पूरा समुचा देश उनके साथ खड़ा है और इसके लिए ये हम काम करेंगे। और मैं ये कहता हूँ पाकिस्तान को भी एक कड़ा संदेश जाना चाहिए, आया रोज आमने सामने की लड़ाई वो लड़ नहीं सकते, इतनी क्षमता तो है नहीं, 3 बार उनको 47 में उनको डिफीट हुई है, 62 में उनको मार पड़ी है, 65 और कतर की लड़ाई में, करगिल वार में उनको डिफीट हुई है, हमेशा पाकिस्तान को मुंह की खाने पड़ी है, उसके बावजूद भी अब सीधी लड़ाई नहीं करता, कभी गुरेला वार छेड़ता है, करीब मिलिटेंट भेज के रियासत जम्मू कश्मीर की इकानमी को, देश को डिस्टर्ब करना चाहता है, और हमारे हमें अपने बहादुर युवाओं को विश्वास है, और हमारे बहादुर जवान जो इंडियन आर्मी और पैरामिलिट्री फोर्सेस के इतने सक्षम हैं कि पाकिस्तान की किसी भी चुनौती के लिए, दुश्मन की किसी भी चुनौती के लिए खड़े हैं और कड़ा जवाब उनको देंगे, मगर पाकिस्तान को आज भी सुधर जाना चाहिए और इस किस्म की घिनौनी साजिश को रोके, खुद भी अमन से रहे, खुद भी अपने प्रदेश और देश के लिए नाम काम करें, वहाँ की गरीबी हटाने के लिए डेवलपमेंट के लिए फोकस करें, और हमें भी चैन और ऐसे जीने दें और आप